हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल हलवा। ना ही ये आटा का है, ना ही सूजी और ना ही बेसन का। हम आज बना रहे हैं अरारोट का हलवा। इस रेसिपी से हलवा बहुत ही चॉकलेटी बनता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। काफ़ी इजी है इसे बनाना, इसे आप घर पर कभी भी बना सकते हैं। तो आइए हम बनाते हैं अरारोट का। ये चॉकलेटी हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है अरारोट। ये मैंने यहाँ पर एक कटोरी लिया है जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल है। सेम इसी क्वान्टिटी में एक कटोरी हमें चाहिए चीनी। हमने यहाँ पे घी लिया है एक कटोरी से थोड़ा सा कम। इस हलवे में घी थोड़ा ज़्यादा लगता है। मैंने यहाँ पे गाय का घी लिया है ठीक दुगनी क्वांटिटी में, यानी दो कटोरी हमने लिया है यहाँ पे दूध। थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, यहाँ पे मैंने कटे हुए बादाम लिए हैं, 3 से 4 कुटी हुई छोटी इलायची। तो इन सब सामग्री से चलिए हम बनाते हैं हलवा। तो सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। कढ़ाई जब गर्म हो तो हम उसमें डाल देंगे घी। घी को थोड़ा गर्म कर लेंगे। घी गरम हो जाए तो अब हम इसे मिला लेंगे अरारोट। ये देखिए, तो हमने मिला लिया अब इसमें अरारोट और इसे खूब अच्छी तरह से मिलाएंगे घी में। और लगातार इसे चलाते हुए हमें अब इसे अच्छे से भून लेना है। इसको हमें लगातार चलाते रहना है। अभी ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से हमें इसे भूनना है। तो लगातार चलाते हुए हम इसे भून लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें भूनना है। अभी लगभग 4 से 5 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। गैस का फ्लेम हम भी यहाँ पे मीडियम रखेंगे। जैसे जैसे ये भूनेगा ये थोड़ा पतला होता जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, ये गोल्डन कलर में आ रहा है। अब थोड़ा सा अभी हमें इसे और भूनना है जबकि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है यहाँ पे। ये देखिए, लगभग ये भून चुका है। कलर इसका बिल्कुल चेंज हो गया है जैसा हमें चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो गया है ये। इस कलर में आने के बाद मतलब कि हमारा अरारोट बिल्कुल अच्छे से भुन गया है। हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और अब हमें इसे ठंडा कर लेना है बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर। गर्म में हम इसमें अभी कुछ नहीं मिलाएंगे। इसे ठंडा करने के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे कढ़ाई में। यहाँ पे थोड़ा सा और चला लेंगे हम इसे। यह अभी एकदम ठंडा हो गया है। मैं इसे आपको छू के दिखाती हूँ, इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है। तो थोड़ा सा इसे हल्का सा हिला लेंगे फिर से। अब हम मिला लेंगे इसमें चीनी। यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम अभी ऑन नहीं किया है, पहले चीनी मिला लेंगे हम। चीनी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। चीनी मिलाने के बाद अब हम इसमें दूध मिला लेंगे। अभी भी गैस का फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया है। दूध और चीनी को अच्छे से घोल लेंगे उसमें, बिल्कुल अच्छे से हमें घोल लेना है इसे। ये देखिए, इस तरह से घोलने के बाद अब हम यहाँ पे गैस को जला लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए गाढ़ा पकते तक हमें इसे पका लेना है। ये इस तरह से हम चलाते चलाते इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे दूध के साथ हलवा पकना स्टार्ट हो गया है। इसे बीच बीच में चलाते हुए पका लेना है हमें। थोड़ा सा टाइम लगता है इसे पकने में, लगभग 8 से 10 मिनट हमें इसे गाढ़ा होने में लग जाएगा। तो इस तरह से हम इसे पकाते रहेंगे अभी। ये देखिए, ये पक रहा है अच्छे से। यहाँ पे पकते हुए लगभग 10 मिनट हो गया है और हलवा का टेक्सचर लगभग लगभग तैयार हो गया है। बिल्कुल चॉकलेटी रंग में ये हलवा बन गया है। इस तरह से थोड़ा सा चलाते हुए हमें भून लेना है। और अगर आपको ये वाला टेक्सचर मिल जाए तो समझ जाए कि आपका हलवा तैयार है।
ये देखिए हलवा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब काफ़ी स्टिकी और चॉकलेटी बनता है ये हलवा। मैं यहाँ पे अब इसमें मिला दूँगी इलायची पाउडर। गैस का फ्लेम बंद कर दिया है मैंने और लास्ट में इसमें मिला दिया इलायची पाउडर। अब ये हलवा बिल्कुल बनके तैयार है। निकाल लेंगे हम इसे किसी प्लेट में। तो यहाँ पे हलवा को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। प्लेट में निकालने से पहले हल्का सा घी से ग्रीस कर लें प्लेट को। अब इसके ऊपर आप अपने मनपसंद किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निशिंग कर लें। मैंने यहाँ पे कटे हुए बादाम डाल लिए हैं। ये देखिए हलवा बिल्कुल तैयार है। इसे हमें अब ठंडा कर लेना है। ठंडा होने के बाद आप इसे अपने मनपसंद शेप में कट कर लें और इसे सर्व करें। बहुत ही टेस्टी होता है ये हलवा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।